वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। क्या शिवपाल थामेंगे कमल का हाथ? चाचा का अखिलेश से हुआ मनमुटाव। बहू अपर्णा की तर्ज पर शिवपाल भी चले मोदी योगी के साथ। देश की राजनीति में इस समय पर यही कुछ सवाल हैं जो सभी के जहन में घूम रहे हैं, और इन सवालों का जवाब पाने के लिए सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। क्या सच में बहू अपर्णा के बाद चाचा शिवपाल भी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं चेतन पाठक, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में भारी उठा पटक जारी है, और राज्य के सियासी गलियारों में इस समय हलचल तेज हो गई है। वजह है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव का पहले दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करना और फिर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना। इस मुलाकात के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि शिवपाल सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों कि शिवपाल सिंह यादव, जो कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं, उन्होंने कई मौकों पर इस बात को कहा है कि वो किसी भी हालत में नेताजी का सम्मान करते रहेंगे। 2017 में अखिलेश से मनमुटाव और पार्टी में बेइज्जत होने का घूंट पीने के बाद चाचा शिवपाल ने खुद को सपा से अलग कर नई पार्टी बना ली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में उन्होंने फिर अखिलेश से समझौता किया और अखिलेश को ही अपने नेता के रूप में मानकर उनके साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन इसमें भी शिवपाल को ही समझौता करना पड़ा। बहुत कोशिशों के बाद भी उनकी पार्टी प्रसपा को केवल एक ही सीट लड़ने के लिए दी गई, जिस पर खुद शिवपाल ने ही चुनाव लड़ा। चुनाव खत्म हुए तो अखिलेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया, और इसका खामियाजा भी शिवपाल को ही भुगतना पड़ा, और उनके साथ खेल हो गया। पार्टी के विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाए जाने से शिवपाल नाराज हो गए। बार बार कैमरे के सामने आकर ये बोलने लगे कि ये उचित समय नहीं है, और जब उचित समय होगा तो सब बता दिया जाएगा। लेकिन अब खबरें ये भी हैं कि शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे आदित्य का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, इसलिए वे भाजपा में जा सकते हैं, और उन्हें भाजपा आजमगढ़ से होने वाले उपचुनाव में बतौर प्रत्याशी उतार सकती है। इन खबरों पे विराम लग जाता, लेकिन जब इन चर्चाओं पर शिवपाल ने कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं दी तो गर्मा गर्मी और बढ़ गई, और अब मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात के बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया। ये संकेत बता रहे हैं कि यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। अपर्णा यादव वाला दौर चाचा शिवपाल के रूप में क्या फिर देखने को मिल सकता है? इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।